Hey guys, my name is Ahmed. Once again came back with another video. So in this video I am gonna building a PC basically for the purpose of editing. और ये PC आपको 4K resolution तक की editing करवा पाएगा easily. लेकिन अगर आप लोगों ने gaming भी करनी है editing के साथ साथ, लेकिन आपका major purpose editing है, यानी कि 70% आपने editing करनी है और 30% तक gaming करनी है, तो ये PC आपके लिए best रहने वाला है इस price range में. लेकिन अगर आप लोग ज्यादातर गेमिंग करते हैं और एडिटिंग मामूली सी करते हैं, तो आप ये पीसी ना बाय करना. आप एक राइजन 5 3600 की तरफ जाएं, वो आपके लिए ग्रेट प्राइस रहने वाली है. और ये वाला पीसी राइजन 7 के साथ होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 8 कोर्स मिल जाते हैं आपको, जो कि एडिटिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे देते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सा प्रोसेसर मैंने इस पीसी बिल्ड में चूज किया है वो है राइजन 7 2700, जो कि एक सेकेंड जेन का प्रोसेसर है. एंड समवट इफ योर बजट इज गोइंग टू इंक्रीज, देन गो फॉर राइजन 7 3800X, और वो भी एक 8 कोर्स वाला ही प्रोसेसर है. बट थर्ड जेन इज बेस्ड ऑन द AMD's लेटेस्ट आर्किटेक्चर. बट अभी हम एक बजट में हैं, सो AMD's सेकेंड जेन इज अ गुड चॉइस. और राइजन 7 2700 की कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात कर लें, तो इसमें 8 कोर एंड 16 थ्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसकी बेस क्लॉक स्पीड 3.2 GHz है. और वहीं पर अगर मैक्स टर्बो की बात कर लें, तो वो 4.1 GHz है. और ये एक अनलॉक चिप है, और ये चिप 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस है, और इसके अंदर आपको 16 MB की L3 कैशी मेमोरी मिल जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस, कि ये आपको पाकिस्तान में यूज कितने तक का मिल जाएगा. आई थिंक ये प्रोसेसर आपको 40 to 43,000 के राउंड अबाउट आपको इजिली मिल जाएगा यूज में. और ये प्राइस जो सी करंट सिचुएशन चल रही है इस दौरान की है. बाद में ये वाला प्रोसेसर सस्ता भी हो जाएगा, और इसके साथ आपको यूज में स्टॉक कूलर भी मिल जाएगा आपको, जो कि स्टॉक फ्रीक्वेंसीज को रन करने के लिए काफ़ी अच्छा है. लेकिन अगर आपका माइंड बन रहा है कि मैंने अपने पीसी के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना है, तो आप एक अच्छा AIO कूलर बाय करें, नहीं तो एक एयर कूलर तो बाय करें एटलीस्ट अच्छा सा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मदरबोर्ड. और इस प्रोसेसर के साथ मैंने MSI B450 टॉमहॉक को पेयर किया है, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है. और इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, एक PCIe स्लॉट मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे VRAMs हैं, और USB 3.0 के भी पोर्ट हैं इसमें, और इसके अंदर आप एक M.2 SSD भी लगा सकते हैं. नाउ द मेजर थिंग इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मदरबोर्ड. और अभी तो वैसे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, और ये मदरबोर्ड आपको 25 to 27,000 के राउंड अबाउट आपको मिलेगा न्यू में. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम. और इस पीसी बिल्ड में मैंने यहाँ पर 2 मॉड्यूल यूज किए हैं 8 GB के. ये एक कॉर्सिया वेंजेंस नॉन RGB रैम है, और ये आपको 15 to 16,000 रुपीज़ की ये मिल जाएगी ये दोनों किट्स. बट इफ़ यू वॉन्ट मोर शशका, देन गो फॉर द कॉर्सिया वेंजेंस प्रो RGB रैम, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली है. इससे वो 18 to 19,000 रुपीज की आपको मिलेगी मार्केट में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ द पीसी, व्हिच इज द ग्राफिक्स कार्ड. एंड आई एम यूजिंग द NVIDIA's GTX 1060 6GB वेरिएंट ग्राफिक्स कार्ड. दिस इज बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड इफ यू वांट टू डू द स्ट्रीमिंग, गेमिंग और एडिटिंग इन दिस प्राइस रेंज. और इसकी कुछ अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, तो ये 6GB VRAM में आता है, GDDR5 टाइप की इसकी VRAM है, और 192 इसके बिट रेट हैं. और अगर TDP की बात कर लें, तो 120 वाट्स की इसकी TDP है, और इसके रिकमेंडेड पावर सप्लाई एक 400 वाट्स का है, और एक 6-पिन कनेक्टर भी चाहिए इस ग्राफिक्स कार्ड को रन करने के लिए. एंड द प्राइस ऑफ दिस ग्राफिक्स कार्ड इज अराउंड अबाउट 34 to 36,000. एंड द SSD आई एम यूजिंग इन दिस बिल्ड इज M.2 SSD. दिस इज 128 GB SSD, एंड इट कम्स इन ओनली 5,000 रुपीज. Now let's talk about the hard drive. And the hard drive I am using this build is 1 TB Seagate Barracuda, and it comes in around about 4,000 rupees in a used market. And the PSU I am using this build is EVGA 500 watts PSU, and this is 80+ bronze certified. And the cabinet I am using in this PC build is Cooler Master TD500 mesh. और इस कैबिनेट को चूज करने की रीजन सबसे बड़ी यही है कि इस कैबिनेट का एयर फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा है. And the price of this cabinet is around about 6 to 7,000 rupees. And now let's sum all the prices of the components. And this PC is built in approximately 1,40,000 rupees. So I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो यार अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. यार आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज़.